देखिए प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स सपोज दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए और वी आर फाइंडिंग प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, तो दिस विल बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इट्स होल मैग्नीट्यूड। अब इसका मीनिंग हुआ जो जो लिखा ना ऑन बी, यही अपॉन में आएगा इसका मैग्नीट्यूड। अगर ये होता प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए तो न्यूमरेटर तो यही रहता ए डॉट बी अपॉन यस इसका होल मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? तो इसका मीनिंग ये होता है कि मान लिया आपने यहां पर एक प्रोजेक्टर लगा दिया है, क्या प्रोजेक्टर, और ये है पर्दा कोई, तो इसकी छाया कहां तक रहेगी इस वेक्टर ए की, बी पर, ऑन बी है ना यहां पर, तो बी पर्दा है, तो ये जब यहां पर ये लाइट आएगी मान लेते हैं तो ये यहां तो निकल जाएगी लाइट, छाया कहां तक रही, केवल यहां तक। मेरी बात समझ आई कि नहीं आपको, समझे? तो ये लेंथ जो है इस लेंथ को कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी और इस लेंथ को फाइंड करते हैं ऐसे। कभी कभी डॉट नेगेटिव हो जाता है और लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकती, इस वजह से मैग्नीट्यूड लगाते हैं। ये हमेशा ही पॉजिटिव आता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो नीचे तक यहां तक लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे केवल यही पॉजिटिव बनाने की जरूरत पड़ेगी हमें, पड़ेगी जब, समझे मेरी बात? ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, समझेगा नहीं, कर लोगे हाँ। और एक बात और जो भी बात कर रहे थे हम, क्या बताया था अभी आपने, एडिशन तो सिंपल है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की बात कर रहे थे, उसमें तो आप ऐड करना ज्योमेट्रिकली क्या होता है इसे शॉर्ट में समझेंगे हम। जैसे एक वेक्टर है ये ए और एक वेक्टर है बी मान लिया, क्योंकि हम फ्री वेक्टर की बात करते हैं, ये वेक्टर डायरेक्शन और लेंथ को चेंज किए बिना हम कहीं नहीं जा सकते हैं। अब माना हमने ए प्लस बी फाइंड करना है हमें, ज्योमेट्रिकली क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखो जैसे वेक्टर ए है इस वेक्टर को हमने यहां ड्रॉ कर लिया वेक्टर ए, अब ए में बी को ऐड करना है तो रूल ये है कि ए के हेड से बी का टेल ज्वाइन कर दो, ए के हेड से बी का टेल, बी का टेल, ए में बी ऐड करना है ना तो रूल हमेशा ये होगा पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल, तो इसका हेड और इसका टेल, ये बी वेक्टर है, और जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट होगा पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का हेड,
क्या समझ में आया आपको? और हेड होगा इसका इधर की तरफ, मेरी बात सही मार रही कि नहीं आपको? ट्रायंगुलर लॉ, हाँ ये बात सही मारी कि नहीं आपको? क्या समझा आपने बताओ? अगर मान लेते हैं बी में ए को ऐड करना है, रिवर्स ऑर्डर करते हैं हम, बी प्लस ए करना है तो पहले बी, बी आप बी क्या करें, बी को ड्रॉ कर लो, ठीक है ना, बी को ड्रॉ कर लिया, बी के हेड से इसका टेल, ए ड्रॉ करेंगे, ए कैसा है, ए तो ऐसा है, तो यानी कि कुछ यही करेंगे ना, तो ऐसा नहीं थोड़ा ऊपर, यस ठीक है, ये है बी, ये है ये, और रिजल्टेंट क्या होगा, पहले के टेल को इसकी हेड तक, ये क्या हो गया बी प्लस ए, हालांकि बी प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी है, इसे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, तो ये जो लेंथ होगा डायरेक्शन होगा वो वही होगा जो वो है, पलट दिया, हाँ पलट दिया है जस्ट, आप देख रहे हैं कि नहीं, समझ रहे कि नहीं, ये है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, और ऐड जो करते हैं ऐड तो पता ही है वो कैसे करते हैं, जैसे ए वेक्टर में मान लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर मान लेते हैं अनदर वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, तो ए प्लस बी क्या होगा, ऐड कर दो i को i में, j को j में, k को k में, तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, यस इस तरह से ऐड करते हैं, माइनस करेंगे तो वही होगा, माइनस का मतलब क्या है, a माइनस b मींस रूल एडिशन का ही लगेगा, a माइनस b का मतलब हुआ a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर, ये वही बात है, प्लस माइनस ही होगा, तो सिंपली माइनस कर दो, अब ये बात समझ में आई आपको कि नहीं, हा? अब ज्योमेट्रिकली अगर a ये वाला वेक्टर है और मान लिया हमें a माइनस बी निकालना है तो कैसे करेंगे, a माइनस बी बताइए, हमें फाइंड करना है a माइनस बी, तो इसका मीनिंग ये हुआ a प्लस एडिशन का रूल ही होता है, माइनस का रूल नहीं होता कोई, a माइनस बी का मतलब हुआ a में ऐड करेंगे नेगेटिव b, अगर b वेक्टर ये है तो माइनस बी वेक्टर ये होगा, ये माइनस बी हो गया, अब आप ये समझो जैसे a में माइनस बी को ऐड करना है, रूल वही लगाएंगे, तो a ड्रॉ कर लो, a कौन सा, ये है a ड्रॉ किया हमने, ए हमने ड्रॉ किया और ऐड करना है माइनस बी को, तो माइनस बी का टेल ए के हेड से इसका हेड और इसका टेल, माइनस बी का टेल कहाँ है, माइनस बी का टेल तो ये रहा और इसका हेड कहाँ है, इसका हेड ये रहा, तो जैसे ही वेक्टर है ऐसे ही उठा के इसे नीचे, मेरी बात सही मारी है कि नहीं बताओ, माइनस बी रूल वही लगा ऐड वाला, और रिजल्टेंट क्या होता है एडिशन रूल में बताओ क्या होता है, पहले के टेल को दूसरे के हेड से, नहीं सही माया, ये क्या है देखा आपने, ए माइनस बी रूल यही लगेगा हमेशा, ठीक,
मैं